प्रदेश के बुनकरों की समस्याओं को लेकर पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में पीस पार्टी के जिलाध्यक्ष अताउल्लाह शाही ने एक बताया कि लॉकडाउन की वजह से प्रदेश में बुनकरों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि सरकार बुनकरों से बिजली मीटर को हटा करके पहले की तरह फ्लैट रेट पर पावरलूम विद्युत चार्ज ले और बुनकरों को न्यूनतम मूल्य पर बनाए सामग्री व कच्चा माल मुहैया करवाए एवं बुनकरों को पावरलूम लगाने के लिए आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध कराए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पीस पार्टी के जिलाध्यक्ष अताउल्लाह शाही ने कहा, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, समाधान करो, समस्या समाधान करो, समाधान करो, समाधान करो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, उनकर समस्या समाधान करो, समाधान करो, समाधान करो। अताउल्लाह शाही, पीस पार्टी जिलाध्यक्ष गोरखपुर। आज ये ज्ञापन हमने बुनकरों की समस्याओं को लेकर ये ज्ञापन हम देने आए हैं और हमने राज्यपाल महोदय के जरिए मांग किया है कि जिस तरीके से पहले फ्लैट रेट पर बुनकरों को बिजली का चार्ज लिया जाता था वो फ्लैट रेट फिर से फिक्स किया जाए। दूसरी बात यह है कि बुनकरों को पावर लूम लगाने के लिए सरकार आसान किस्तों पर धन मुहैया कराए। तीसरी मांग हमारी ये है कि सरकार जो है जो उत्पीड़न हो रहा है बुनकरों का वो बंद करे। चौथी मांग हमारी ये है कि सरकार इनको कच्चा माल मुफ्त कराए और जो उनका उत्पाद होता है उसको सरकार स्वयं खरीदे ताकि उनकी स्थिति सुधारी जा सके। आज ये ज्ञापन किसको देने हैं? ये ज्ञापन हम राज्यपाल जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश को ये ज्ञापन देने आए हैं।